अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एकेडमी। ये स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, वो है हेड टू टेल रूल। यानी आज हम डिस्कस करेंगे हेड टू टेल रूल। ये फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि वेक्टर की एडिशन में इस्तेमाल होता है और अक्सर वेक्टर एग्जाम में इसके मुतालिक सवाल भी आ जाता है। पहले हम हेड टू टेल रूल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये रूल क्या कहता है, और इसके बाद हम एग्जाम के अंदर जो सवाल आया है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हेड टू टेल रूल एक ग्राफिकल मेथड है जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं। हेड टू टेल रूल को समझने के लिए आपको वेक्टर को थोड़ा अंडरस्टैंड समझना पड़ेगा। वेक्टर ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। इस चीज़ को मैं ऑलरेडी स्केलर एंड वेक्टर वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि वेक्टर वो क्वांटिटी है, वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं हेड टू टेल रूल क्या कहता है। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर आपने दो वेक्टर्स को जमा करना है तो आप उनको इस तरह पेपर पर ड्रॉ करेंगे कि एक वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ टच हो जाए। मिसाल के तौर पर ये एक वेक्टर है जिसका नाम रखते हैं हम ए, ये इसका हेड होता है और ये इसकी टेल। अब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, एक वेक्टर मिसाल के तौर पर ये है और एक वेक्टर है ये। इस वेक्टर का नाम है ए और इस वेक्टर का नाम है बी। अब हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले तो आप इसको इस तरह ड्रॉ करो, पहला वेक्टर। इस ड्रॉ करने के नतीजे में ना ही आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है और ना ही इसकी मैग्नीट्यूड चेंज करनी है। देखिए, जिस डायरेक्शन में था मैंने उसी डायरेक्शन में दोबारा इसको रीड्रॉ किया, सही। और देखें वेक्टर बी, ना ही मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की ना इसकी मैग्नीट्यूड मैंने चेंज की। आपने दोनों वेक्टर्स को इस तरह ड्रॉ करना है कि पहले वेक्टर का हेड जो है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल जाए। इसी तरह अगर इसके साथ एक तीसरा वेक्टर भी होता, वेक्टर सी, उसको भी हम इस तरह ड्रॉ करते, मजीद इसके साथ कंटिन्यू करते कि दूसरे वेक्टर का हेड तीसरे वेक्टर की टेल के साथ मिल जाए। यानी पहले वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के साथ, दूसरे का हेड तीसरे की टेल के साथ, इससे ये बन जाता है हेड टू टेल रूल। और फाइनली हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल से लेके लास्ट वेक्टर के हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जिसको हम कहेंगे ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये बराबर होगा ए प्लस बी और प्लस सी के ग्राफिकल सम के इक्वल होगा। यानी आपने हेड टू टेल रूल की मदद से दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जमा करना सीख लिया है। अब एग्जाम में एक सवाल आया है, विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड ऐड टू वेक्टर्स ए एंड बी। 2015 के पेपर में ये सवाल आया था कि भाई ग्राफिकल मेथड की मदद से आप दो वेक्टर्स को जमा करके बताएं। सबसे पहले तो आप, अब इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे जमा करने के। मिसाल के तौर पर अगर इस सवाल का आप आंसर लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे स्टेप्स की कि भाई अगर आप दो वेक्टर्स को जमा करना चाहते हैं तो उसके मंदरजे ज़ेल स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या कहेगा, सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल। यानी पहला स्टेप ये कहता है कि भाई सबसे पहले तो आप जो है सूटेबल स्केल सिलेक्ट करो। अब सूटेबल स्केल से क्या मुराद है, सूटेबल स्केल से मुराद ये है, मिसाल के तौर पे आपसे कहा जाता है कि एक साहब जो हैं मशरिक से मगरिब की जानिब
नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। एक साहब जो हैं ईस्ट की जानिब जो हैं 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, यानी एक साहब इस पॉइंट पर खड़े हुए थे और उन्होंने जो ईस्ट की जानिब 500 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। उसके बाद उन्होंने साउथ की जानिब 200 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया और आपसे पूछा जाता है कि भाई उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना तय किया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फ़र्क आपको मेरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाली वीडियो में मिल जाएगा। अभी मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि भाई डिस्टेंस क्या होता है, कि आप एक जगह से चलते हो किसी दूसरी जगह पहुँच जाते हो, वहाँ से चलते हो तीसरी जगह पहुँच जाते हो, ये डिस्टेंस होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि आपके इनिशियल पॉइंट से लेके आपके फाइनल पॉइंट तक का जो टोटल डिस्टेंस होता है बिल्कुल सीधा, ये क्या कहलाता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। हम बात कर रहे थे सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, इसकी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो आपको एग्जांपल दी गई है 500 किलोमीटर जो साहब चले थे, आप 500 किलोमीटर का वेक्टर आप अपनी कॉपी पे नहीं बना सकते, या 200 किलोमीटर जो साहब चले थे आप उनका भी ये वेक्टर अपनी कॉपी पे नहीं ड्रा कर सकते। 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कॉपी पे ड्रा करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। आप क्या करेंगे, साइड पे लिखेंगे स्केल 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, सॉरी 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 500 किलोमीटर किसके बराबर हो गया, 5 सेंटीमीटर के। तो आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन यहां बनानी है, एक वेक्टर हो गया, और 2 सेंटीमीटर की एक लाइन यहां बनानी है, ये कितना हो गया 200 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर है 100 किलोमीटर के, तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो गया 200 किलोमीटर के। यहां पे आप स्केल साइड पे बना चुके हैं, इसे कहते हैं सूटेबल स्केल सिलेक्ट करना, जो कि आपके स्टेप्स का पहला पॉइंट होगा। आपने एग्जाम में सिर्फ ये पॉइंट लिखना है, ये मैंने आपको बात समझा दी है, सही। अब इसके बाद आपने सेकंड स्टेप क्या लिखना है, ड्रॉ वेक्टर लाइंस, यानी अब उस सूटेबल स्केल जो आपने सिलेक्ट किया था उसकी मदद से आपने वेक्टर लाइंस को ड्रॉ करना है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होगा आपके सवाल के जवाब में, थर्ड स्टेप ये होगा कि जनाब आपने एक स्केल सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपने लाइन ड्रॉ कर ली। अब थर्ड स्टेप ये है कि आपने ड्रॉ वेक्टर्स एज पर हेड टू टेल रूल, यानी आपने तीसरा स्टेप ये लिखा। फिर आपने क्या किया, जो आपने वेक्टर्स सपोज किए थे कि भाई एक वेक्टर मिसाल के तौर पे 4 किलोमीटर के लिए आपने 4 सेंटीमीटर का वेक्टर ये बना लिया, उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए एक वेक्टर आपने 3 सेंटीमीटर ये बना दिया, इसको आपने ए का नाम दे दिया, इसको आपने बी का नाम दे दिया, और फिर अगले ही स्टेप में आपने क्या कर दिया, इनको बता दिया कि भाई मैंने हेड टू टेल रूल की मदद से इनको ड्रॉ कर दिया। फिर चौथा स्टेप क्या होगा, चौथा स्टेप ये होगा ड्रॉ अ वेक्टर फ्रॉम टेल ऑफ ए टू हेड ऑफ बी, यानी ए वेक्टर की टेल से लेके बी वेक्टर के हेड तक आपने एक वेक्टर ड्रॉ करना है, जो कि आपका क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर। तो जनाब अब आपका ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया है। इस तरह आपने हेड टू टेल रूल की मदद से जो आपसे सवाल पूछा गया था आपने उसका जवाब दे दिया है, यानी
हेड टू टेल रूल के चार स्टेप्स आपने उनको एग्जाम की कॉपी में लिख के देने हैं। नंबर वन कि आपने उनको बताना है कि भाई पहले हम एक सूटेबल स्केल लेंगे। नंबर टू फिर आपने उनको बताना है कि जना हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया है उन सूटेबल स्केल की मदद से, जो भी आप हमें वेक्टर देंगे हम उन सूटेबल स्केल की मदद से उन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर आप क्या बताओगे कि भाई हमने वेक्टर्स को जो है ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है हेड टू टेल रूल के मुताबिक। उसके बाद फोर्थ स्टेप आप क्या बताओगे, अच्छा जब थर्ड स्टेप बताओगे क्या भाई आपने ग्राफिकली वेक्टर्स को अरेंज कर दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, तो उसमें आप ये भी बता दोगे भाई कि हेड टू टेल रूल क्या है। उसका फोर्थ स्टेप ये होगा कि भाई आपने लास्ट में दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करके एक रिजल्टेंट वेक्टर भी बना देना है और लिख देना है आर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, जितने भी वेक्टर होंगे यहाँ पे दो वेक्टर हैं तो मैंने लिख दिया ए प्लस बी। उम्मीद है हेड टू टेल रूल आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप अकेडमी salman.academy-kji.com की वेबसाइट पर जाके वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म में अपना सवाल लिख के मुझे भेज सकते हैं, तो इंशाल्लाह जैसे मुझे मौका मिलेगा मैं आपको सवाल का जवाब दूंगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।